एवरीवन, वेलकम बैक टू कैम्ब्रिज। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और उसमें भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेसिक इंट्रो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और लास्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। ठीक, तो अब बात ये आती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर वर्नर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, जब मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अटैच्ड होता है किससे, लिगेंड से। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारे पास K4FeCN का होल सिक्स है। ठीक, तो अब इसमें जो K4FeCN सिक्स है, जब इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये 4K+ साथ ही में FeCN 6-4- बनाएगा, यानी कि फेरोसाइनाइड आयन बना देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो होता क्या है। ठीक, तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। तो मेटल एटम जिससे लीगेंड बाइंड होता है उसी को सेंट्रल एटम कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल K3FeCN6 है, तो इसमें हमारा जो सेंट्रल आयन है वो है Fe, क्योंकि उसी से हमारे लीगेंड्स यानी कि CN बाइंड अप है। अब बात ये आती है कि लीगेंड्स क्या होगा। तो लीगेंड्स वो आयन या वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे जो कि बॉन्ड होते हैं किससे, सेंट्रल मेटल एटम से। इन्हीं को लुईस बेस भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो जितने भी लिगेंड अटैच्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से उन्हीं को कहा जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे टेट्रा कार्बोनिल निकल है। ठीक, तो यहाँ पे निकल से 4 कार्बोनिल एटम अटैच्ड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो कि सेंट्रल एटम से बाइंड होते हैं थ्रू ओनली वन एटम। ठीक, फॉर एग्जांपल Cl- SO4- एंड सो ऑन। और बाइडेंटेट में क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट में 2 मेटल आयन पोजीशंस होंगी, जैसे NH2CH2CH2NH2 है। ठीक है, पॉलीडेंटेट में क्या होगा, जो ऑक्यूपाई करे मेनी साइड्स ऑफ सेम मेटल एटम, जैसे एग्जांपल में EDT है हमारे पास। ठीक, अब नेक्स्ट आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिसकी जो डोनर साइट्स होती हैं वो मोर देन वन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास NO2 है, तो वो जब N से ज्वाइन होता है तो नाइट्रो कहलाता है, जब O से ज्वाइन होता है तो नाइट्रेटो कहलाता है। उसी तरह CN जो है, जब C से ज्वाइन अप हो रहा है तो साइनो, और जब NC होता है तो आइसोसाइनो। होप यू गाइज लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।